Hello, today is experiment number 3 of thermal engineering lab 2, which is to find COP of heat pump. Aim to determine the COP and tonnage capacity of a heat pump. Theory: a mechanical heat pump is a mechanical equipment which is used to supply the heat to the system where it is installed and maintain its temperature more than that of surrounding. Mechanical heat pump absorbs heat from surrounding. Work input to a heat pump is supplied by compressor with reference to this figure. Q2 is supplied to the room and temperature T2 is maintained above by T1, whereas heat Q1 is absorbed by the surrounding. Hence performance of heat pump is given by COP Q by W. The heat pump जो है वो रेफ्रिजरेंट साइकिल पे ही वर्क करता है, लेकिन मेरा आउटपुट चेंज है. रेफ्रिजरेंट साइकिल में मेरा जो आउटपुट है वो है कि जो लो टेम्परेचर है, ठीक है, उससे हीट निकालना. और इसमें क्या है मेरा कि हायर टेम्परेचर को हीट प्रोवाइड करना. कहाँ से? लो टेम्परेचर से, ठीक है. तो ये दिख रहा है T1 T2 आपको. और यहाँ पे हमको T2 मान लीजिए हायर टेम्परेचर है, T1 आपको, सॉरी, T1 एटमोसफेयर टेम्परेचर, T2 आपको सिस्टम का है. मान लीजिए जो लोअर टेम्परेचर है, तो हमको लोअर टेम्परेचर से हीट सप्लाई किसको करेंगे? हायर टेम्परेचर को, जो मेरा फ्रिज है. जैसे उसका एग्जाम्पल है, फ्रिज भी रेफ्रिजरेंट साइकिल पर कम वर्क कर रहा है. तो रेफ्रिजरेटर जो है वो कैसे वर्क कर, क्या उसमें वर्किंग होती है? तो अंदर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर है क्या है, वो कम है. T1 मान लीजिए, सॉरी T2 मान लीजिए, और T1 एटमोसफेयर टेम्परेचर मान लीजिए. तो हीट का फ्लो हमेशा जो नेचुरल फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर में होता है. तो हायर टेम्परेचर कहाँ का है? एटमोसफेयर का. अंडर का टेम्परेचर कम है, तो हीट कहाँ से फ्लो होना चाहिए? एटमोसफेयर से फ्रिज में, ठीक है. जो कि ऐसा होता नहीं है. क्यों नहीं होता है ये? और होता उल्टा है कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर लो टेम्परेचर है, तो हम हीट लो टेम्परेचर से लेकर बाहर एटमोसफेयर टेम्परेचर में रिजेक्ट करते हैं. तो ये अपने आप नहीं है, वायलेशन ऑफ क्लॉसेस लॉ है. इसके लिए हमको क्या है, कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ रहा है. वो इनपुट क्या है? ये W जो आपको दिख रहा है, वर्क कंप्रेसर. तो वर्क कंप्रेसर को जो इनपुट में हम देते हैं एनर्जी, वही इनपुट एनर्जी क्या कर रहा है कि हीट का फ्लो उल्टा करवा रहा है. मतलब लोअर टेम्परेचर से हीट ले रहा है और हायर बॉडी टेम्परेचर को रिजेक्ट कर रहा है. तो मेरा जो इनपुट है दोनों केस में, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे हीट पंप हो, दोनों केस में इनपुट मेरा वर्क कंप्रेसर है और आउटपुट दोनों में चेंज है. रेफ्रिजरेटर में मेरा काम क्या है कि लोअर टेम्परेचर से हीट निकालना, तो लोअर टेम्परेचर को ठंडा करना. तो किस पर डिपेंड कर रहा है? कि लोअर टेम्परेचर से जो हीट निकाल रहे हैं उसकी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है. हीट पंप में मेरा क्या है? हायर टेम्परेचर को हीट प्रोवाइड करवाना, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना या मेंटेन करना कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे. तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कि कितना हीट हम सप्लाई कर रहे हैं हायर टेम्परेचर को. तो हीट पंप की जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है कि हम कितना हायर टेम्परेचर को हीट सप्लाई कर रहे हैं. और आपको रेफ्रिजरेटर की जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही है किस पे? कि जितना हम लो टेम्परेचर से हीट बाहर निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है. ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है. यहाँ पे आपको दो प्रेशर गेज दी हुई है, दो प्रेशर गेज, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? ये देखिए पीछे साइकिल जो दिया हुआ है, ये VCR सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है. VCR सिस्टम क्या है? वेपर कंप्रेसर रेफरेंस सिस्टम पे ये बेस्ड है. तो वेपर कंप्रेसर रेफरेंस सिस्टम पे जो बेस्ड है, तो बेसिक इक्विपमेंट क्या है? कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व और कैपिलरी, ये एक्सपेंशन वाल्व और या कैपिलरी ट्यूब और इवेपोरेटर. तो ये दो प्रेशर पे काम कर रहा है, एक हायर प्रेशर पे, लोअर प्रेशर पे. तो ये प्रेशर गेज की वैल्यू बता रहा है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है, और दूसरी रीडिंग पाउंड पाउंड पर स्क्वायर इंच पे है. तो हमको लेनी क्या है? केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है. तो ये रीडिंग आपको क्या बता रहा है? एक हायर प्रेशर है, एक लोअर प्रेशर है. मतलब एक तो जिस प्रेशर पे आपको कंप्रेसर में जा रहा है सक्शन प्रेशर, एक कंप्रेसर कंप्रेशन के बाद इसका जो प्रेशर इंक्रीज हुआ डिस्चार्ज प्रेशर, वो प्रेशर बता रहा है. ये आपको दो दिख रहा है, ये क्या है? ये है, इसको हम बोलते हैं रोटामीटर या फ्लो मीटर, जो कि मेजर करता है कि लीटर पर आवर में इसका कितना वॉल्यूम फ्लो रेट फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो यहाँ पे एक कॉक टाइप का है, छल्ला टाइप का, वो ऊपर नीचे जैसे फ्लो स्टार्ट होगा तो वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा एक, और वो रीडिंग बताएगा कि कितना लीटर पर आवर में इसकी फ्लो रेट है, ठीक है. ये दो टाइप का डब्बा दिख रहा है आपको, ये स्पेस, यहाँ पे अंदर कॉइल बना हुआ, दोनों सेम टाइप का कॉइल दिख रहा है आपको, दिखेगा खोलोगे तो. तो ये कॉइल जो है, एक तो कंडेंसर कॉइल है, एक है आपको इवेपोरेटर कॉइल, ठीक. तो आपको करना क्या है? आपको इसकी सीओपी निकालनी है. तो सीओपी क्या होगा? हीट पंप की निकालनी है. इसमें आप दोनों कर सकते हो, सीओपी आप एज ए रेफ्रिजरेटर भी निकाल सकते हो और सीओपी आप हीट पंप भी निकाल सकते हो. कैसे? कि आपको मालूम है इवेपोरेशन जो इवेपोरेटर कॉइल है वहाँ पर रेफ्रिजरेट प्रोड्यूस होगा. रेफ्रिजरेट क्योंकि इवेपोरेटर जो कॉइल है वो लोअर बॉडी टेम्परेचर है, वहाँ से हमको हीट निकालना है, ठीक है. तो इवेपोरेटर कॉइल क्या होगा? ठंडा होगा हीट, और
जो कंडेंसर कॉइल वहाँ से हीट रिजेक्ट करेंगे तो वो क्या गर्म होगा। तो अगर हम निकाले कि हीट कितना आपको रेफ्रिजरेंट फिर प्रोड्यूस हीट कितना रिमूव हो रहा है इवेपोरेशन कॉइल में, तो उसके लिए तरीका क्या है कि हम इसमें वाटर सप्लाई करेंगे, वाटर जाएगा अंदर, इसके अंदर भी वाटर जाएगा, तो जो इवेपोरेटर कॉइल है वो वहाँ वो ठंडा है, तो वो पानी क्या होगा ठंडा होना शुरू होगा, और जो आपको कंडेंसर कंडेंसिंग कॉइल है वहाँ पे पानी जो सप्लाई होगा तो वो गर्म होना शुरू होगा। तो हमको क्यू इजकल टू एम एस डेल्टी, सिंपल सी चीज़ है, तो क्यू इजकल टू एम एस डेल्टी, ये मान लीजिए क्यू वन ले लीजिए, क्यू टू ले लीजिए, क्यू वन किसका है कंडेंसर का, क्यू टू किसका है आपको इवेपरेटर का, तो एम एस कैसे निकलेगा बताइए, रोटामीटर से, तो मास इस यहाँ से वॉल्यूम फ्लो रेट निकल जाएगा, तो वॉल्यूम फ्लो रेट को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि वाटर की डेंसिटी 1000 है, तो वो क्या निकल जाएगा मास फ्लो रेट, क्योंकि दोनों का ही मास फ्लो रेट निकल जाएगा, कंडेंसर आपका और इवेपरेटर का यहाँ से रोटामीटर से। तो एस हमको 4.187 मालूम है वाटर का, डेल्टी, अब डेल्टी के लिए यहाँ पे टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, जब वाटर अंदर जा रही है कंप्रेसर सॉरी कंडेंसर कॉइल में और इवेपरेटर कॉइल में, और जब बाहर निकल रही है उस दोनों का टेम्परेचर, तो एक का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एक का टेम्परेचर क्या होगा डिक्रीज होगा, सेम पानी सप्लाई जो हो रही है उस जब अंदर से बाहर निकल रहा है दोनों में, तो दोनों अंदर जा रहा है तो सेम टेम्परेचर में अंदर जा रहा है, और जब बाहर निकलेगा तो कंडेंसर कॉइल से जब बाहर निकलेगा कॉन्टैक्ट में आके, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि कंडेंसर में कॉइल में क्या हो रहा है हीट रिजेक्ट कर रहा है, और इवेपोरेटिंग कॉइल में क्या हो रहा है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है मीडियम का, तो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये ठंडा होगा, साफ सी बात है। तो पानी का टेम्परेचर जो बाहर निकलेगा, एक का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक का टेम्परेचर घट जाएगा, तो ये डेल्टी से हमको निकल जाएगा क्यू वन और क्यू टू, क्योंकि क्यू वन इज इक्वल टू एम एस डेल्टी और क्यू टू भी एम एस डेल्टी, तो डेल्टी यहाँ का डेल्टी दोनों को निकाल लेंगे। और क्यू वन क्या था कि कितना हीट ये रिजेक्ट किया किस में पानी में, और क्यू टू कितना है कितना हीट ये एब्जॉर्ब किया पानी का, कितना ठंडा किया, तो अगर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्यू टू, क्यू टू डिवाइड बाई वर्क कंप्रेसर निकाल देंगे तो हमको निकल जाएगा सी ओ पी रेफ्रिजरेटर का, और क्यू वन डिवाइड बाई वर्क कंप्रेसर निकाल देंगे तो हमको निकल जाएगा सी ओ पी हीट पम्प का। तो सिंपल सा चीज़ है कि ये बताया सेम साइकिल पे वर्क कर रहा है हीट रेफ्रिजरेटर भी और हीट पम्प भी, बस डिफरेंस क्या है आउटपुट, आउटपुट का कि रेफ्रिजरेटर में जो आउटपुट है डिजायर इफेक्ट क्या है कि लोड बॉडी टेम्परेचर से हीट बाहर निकाला जाए, और आपको हीट पंप में मेरा डिजायर इफेक्ट क्या है कि हायर बॉडी को हीट सप्लाई किया जाए। तो इसलिए हम हीट सप्लाई कहाँ पे होगा, हीट सप्लाई वहाँ होगा जहाँ पे हीट रिजेक्ट करेगा सिस्टम, तो हीट सिस्टम कहाँ रिजेक्ट कर रहा है आपको कंडेंसर कॉइल में, इसलिए पानी वो हीट जो ले रहा है वो हीट की क्वांटिटी हम निकाल लेंगे एम एस डेल्टी से, और डिवाइड बाय वर्क कंप्रेसर, वर्क कंप्रेसर दोनों के लिए इनपुट है सेम है, कंप्रेसर वर्क को पावर कौन प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए हमको या तो आपको घर में जो रहता है एनर्जी मीटर उससे निकाल सकते हैं कितना कंज्यूम किया टाइम के हिसाब से, या तो यहाँ पे क्या लगा हो वोल्टा मीटर और आम मीटर, तो वी आई कॉस फाइव से हम इसकी रीडिंग निकाल सकते हैं कितना पावर ये कंज्यूम कर रहा है आपको, ठीक है। सी ओ पी बताया दिया, क्यू बाई डब्ल्यू है, क्यू क्या है हीट रिमूव, डब्ल्यू बाई एम सी पी डेल्टी। अब यहाँ पे हीट रिमूव मतलब क्या कि जो पानी हीट रिमूव किया आपको कंडेंसर से, क्योंकि हम सी ओ पी निकाल रहे हैं किसका हीट पंप का, ठीक, तो पानी अगर हम निकालते सी ओ पी रेफ्रिजरेटर का तो उल्टा हुआ था कि पानी से कितना हीट रिमूव हुआ ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। मास ऑफ वाटर इन हीटिंग और कूलिंग टैंक, ये दोनों इसलिए ले रहे हैं हीट कंडेंसर में हीटिंग कॉइल में होगा बताया था, और कूलिंग कॉइल में आपको कौन सा इवेपरेटर में, तो अगर कूलिंग कॉइल के लिए यूज कर लेंगे तो हमको रेफ्रिजरेटर निकल जाएगा, हीटिंग कॉइल के लिए यूज कर लेंगे तो हमको किसका निकलेगा हीट पम्प का, ठीक है, स्पेसिफिक उसका है ही। अब ये बेसिक हमको डिफरेंस पता होना चाहिए हीट इंजन का, रेफ्रिजरेटर का, हीट पंप का, ये दोनों का देखिए, हीट इंजन जो है नेचुरल फ्लो है, हायर बॉडी टेम्परेचर है, ये लोअर बॉडी टेम्परेचर है, तो हीट का फ्लो हमेशा नेचुरल क्या होता है हायर बॉडी से लोअर बॉडी तरफ, तो ये इंजन में आया और ये इसको कन्वर्ट किया किसमें, वर्क में, ही हीट को कन्वर्ट किया ट्रांसफॉर्म किया वर्क में, और कुछ हीट को रिजेक्ट किया लोअर बॉडी टेम्परेचर में, तो हीट का फ्लो हायर बॉडी से हो रहा है। यहाँ पे आपको खुद देखिए कोल्ड बॉडी है और हॉट बॉडी है, तो हॉट बॉडी से हीट नहीं जा रहा, कहाँ से जा रहा, कोल्ड बॉडी से, तो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है उल्टा काम कर रहा है, कोल्ड बॉडी से हीट लेके हॉट बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है, तो ये अपने आप तो नहीं करेगा, इसके लिए तुमको ये अगर तो आपने ये क्या नाम है नेचुरल फ्लो को रिवर्स किया है तो ये अपने आप रिवर्स नहीं होगा, इसको लिए क्या कुछ कुछ वर्क देना पड़ेगा, तो वर्क ये आप दे रहे हो कंप्रेसर को जो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है। ये सेम साइकिल आपको किस में है हीट पंप में, देखिए सेम है हीट पंप में भी क्या कर रहा है, ये लोअर बॉडी से हीट ले रहा है और हायर बॉडी को रिजेक्ट कर रहा है बाय द हेल्प ऑफ वर्क कंप्रेसर, ठीक है। अब इस दोनों में साइकिल तो सेम है लेकिन हीट पंप और रेफ्रिजरेटर डिफरेंस क्या हुआ, तो डिफरेंस यह हुआ कि जो इसकी सीओपी है वो क्या डिपेंड कर रहा है आउटपुट और इनपुट पे, इनपुट तो दोनों के लिए वर्क है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्क रेफ्रिजरेटर वर्क पंप दोनों के लिए इनपुट वर्क है, लेकिन आउटपुट चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे हीटर में मेरा आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1, क्योंकि मेरे कोल्ड बॉडी को ठंडा करना है, तो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q1 डिवाइड बाय WR, ये तो COP हो जाएगा किसका, रेफ्रिजरेटर का। और इसकी आउटपुट जो हीट पंप की Q1 पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, Q2 पे, हमको हॉट बॉडी को कितना हीट दे रहा है, तो इसकी COP क्या हो जाएगी, Q2 अपॉन WP। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। हीट इंजन की ये एफिशिएंसी निकाली हुई है, ठीक है, जो हम बताया Q2 - Q1 अपॉन Q2। रेफ्रिजरेटर के तुमको Q1 अपॉन WR, जो मैंने आपको बताया था कि Q1 अपॉन WR की बात कर रहे हैं, और हीट पंप होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन WP हो जाएगा। तो देखिए, Q1 अपॉन W, ठीक, प्रोसीजर। अब यहाँ पे कैसे प्रोसीजर, फिल मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर इन कंडेंसर एंड इवेपोरेटर बैंक्स एंड नोट डाउन द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ टैंक बाय मीन्स ऑफ सेक्शन सिलेक्टेड स्विच एज TFI। नाउ नोट डाउन द एनर्जी मीटर एंड स्विच ऑन द पावर सप्लाई टू कंप्रेसर, रन द कंप्रेसर फॉर यूनिट टाइम से 30 मिनट, और इट्स मे बी मोर देन 30 मिनट और लेस देन 30 मिनट, एंड नोट डाउन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ T4-5 एंड एनर्जी मीटर रीडिंग। एव प्रोसीजर मे बी रिपीटेड फॉर कूलिंग अ कॉयल ऑल्सो, इफ यू नीड टू कैलकुलेट COP ऑफ रेफ्रिजरेटर देन वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसीजर फॉर कूलिंग कॉयल। दिस इज द बेसिक साइकिल, ठीक है, जिस पे डिपेंड कर रहा है आपको ये हीट पंप और रेफ्रिजरेटर जो इक्विपमेंट आपका VCRS पे। तो VCRS में बताया था मैंने आपको कि चार इक्विपमेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, इवेपोरेटर। ठीक है, अब एक्सपेंशन वाल्व की जगह हम कैपेसिटी ट्यूब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कंप्रेसर में ये क्या हो रहा है, किसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, किसको कंप्रेस कर, अब ये करता कौन है कूलिंग, या ये जो फ्लो क्या करता है इसके अंदर, इसके अंदर फ्लो कर रहा है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है तो इसका क्या है कि किस फेज में है, तो कंप्रेसर में जब जा रहा है तो वो क्या है, तो आपको वेपर के फॉर्म में है। अब वेपर के फॉर्म में किस प्रेशर पे है, आपको लो प्रेशर पे, क्योंकि वेपरेटर से आया है तो लो प्रेशर पे वेपर के फॉर्म में है। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा है बाय द कंप्रेसिंग इट। तो कंप्रेसर में हम प्रेशर इंक्रीज क्यों करते हैं इस रेफ्रिजरेंट का जो कि वेपर में है, मतलब कंप्रेसर में जब जा रहा है तब लो प्रेशर आपको वेपर है, जब निकला कंप्रेसर से बाहर तो वो ये हाई प्रेशर कंप्रेसर है, सो हाई प्रेशर वेपर है। तो इसका वेपर का प्रेशर इंक्रीज क्यों कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं कि हमको दो मेरा पर्पस है, एक तो इसको फ्लो करवाना है रेफ्रिजरेंट को, क्योंकि कंप्रेसर नीचे रखा होगा, अपना खुद देखोगे सेटअप, तो कंप्रेसर का पोजिशनिंग मान लो नीचे है, कंडेंसर ऊपर है, इवेपोरेटर और भी ऊपर है, तो फ्लो जो करेगा तो वो लो प्रेशर पर फ्लो नहीं कर सकता, हाई प्रेशर फ्लो कर सकता है। तो हाई प्रेशर फ्लो करवाने के लिए इसको हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर का से इसका प्रेशर इंक्रीज करवा रहे हैं, एक तो ये पर्पस है। दूसरा पर्पस क्या है कि इसका हमको फेज डिजायर इफेक्ट कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम रेफ्रिजरेटर की बात करें तो वो कहाँ हो रहा है, इवेपोरेटर में। ठीक है, तो रेफ्रिजरेंट में किस फेज में होना चाहिए, अगर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस करवाना है तो वो होना चाहिए लिक्विड फेज में। तो कंप्रेसर जब निकल रहा है किस फेज में है आपको, वो फेज में है आपको वेपर में, तो इसको हमको कंडेंस करवाना है। ठीक है, इसका लेटेंट हमको बाहर निकालना है, इसका फेज चेंज करवाना है। तो कंडेंसर किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडेंसिंग टेम्परेचर पे, और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, कंडेंसिंग प्रेशर पे। अगर कंडेंसिंग टेम्परेचर आपको हाई है तो कंडेंसिंग प्रेशर भी हाई होगा, या वाइस वर्सा, अगर हम बोले कि हाई प्रेशर पे कंडेंस कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी हाई होगा, और लो टेम्परेचर पे अगर कंडेंस कर रहे हैं तो उसका कंडेंसिंग प्रेशर भी लो होगा। तो ये हमको ध्यान रखने वाली बात है। तो हम कंडेंस किस टेम्परेचर पर कर रहे हैं, क्योंकि कंडेंसिंग कंडेंसर क्या होता है कि कंडेंसर ट्यूब होता है, उस ट्यूब में ये फ्लो होगा, कौन सा फ्लो होगा, कंप्रेसर जब निकलेगा तो किस फॉर्म में है, वो हाई प्रेशर आपको वेपर फॉर्म में है, तो उसको हमको कन्वर्ट करना है लिक्विड में। तो कंडेंसर ट्यूब में ये जो फ्लो करेगा तो एयर क्या हो रहा है, बाहर से एयर इससे हीट ले रहा है और इसको कंडेंस कर रहा है, तो आपको कंडेंसिंग टेम्परेचर क्या होगा, जो एटमोसफियर टेम्परेचर है, तो एटमोसफियर टेम्परेचर 30-40 डिग्री पे अगर ये कंडेंस होना शुरू हो रहा है तो आपको कंडेंसर प्रेशर भी आपको ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से चाहिए, नहीं तो अगर आपको कंडेंसर टेम्परेचर लो होता तो कंडेंसिंग प्रेशर भी आपको लो चाहिए था, इसलिए यहाँ पे हमको क्या होगा, इसका प्रेशर और इंक्रीज करना पड़ेगा, जो कि इंक्रीज किया हम कंप्रेसर में, क्योंकि इसका कंडेंसर ठीक से हो सके। अब ये कंडेंसर से जब निकलेगा तो ये निकलेगा हाई प्रेशर आपको लिक्विड फॉर्म में, तो हाई प्रेशर लिक्विड फॉर्म में जब निकलेगा तो ये कहाँ जाएगा, फिर आपको एक्सपेंशन वाल्व में, एक्सपेंशन वाल्व में क्या होगा, ये एक्सपैंड होगा, तो एक्सपैंड होगा तो क्या होगा, इसका सडन आपका प्रेशर डिक्रीज होगा, सडन प्रेशर डिक्रीज होगा तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। ठीक, तब हमको किस फॉर्म में निकला, जब एक्सपेंशन वाल्व में निकला तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर के, और किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, और जब इवेपोरेटर में गया है, इवेपोरेटर से बाहर जब निकलेगा, क्योंकि इवेपोरेट होगा तो इवेपोरेट कैसे होगा, लेटेंट हीट लेकर, किससे लेगा लेटेंट हीट, सराउंडिंग से,
जो सराउंडिंग मीडियम है जिसको हमको जहाँ पे रिफ्रिजरेटर प्रोड्यूस करवाना है उस सराउंडिंग मीडियम से ये हीट लेगा और जो ट्यूब की वेपर ट्यूब में जो रिफ्रिजरेंट है वो इवेपरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वेपर फिर जाएगा कंप्रेसर में, तो ये वाइस वर्सा चलते जाएगा। ये इसकी पीएच चार्ट है, सबसे डिपेंड कर रहा है प्रेशर और इंथैल्पी। ठीक है, ये वेपर डोम है, तो वेपर डोम बनाते क्यों हैं, क्योंकि ये वेपर डोम अगर सिंगल फेज में हम जैसे ऑटो साइकिल ड्यूअल साइकिल में ये वेपर डोम नहीं दिखेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको जो वर्किंग सब्सटेंस है ठीक है वो आपको फेज नहीं चेंज कर रहा है, यहाँ पे जो है फेज चेंज हो रहा है आपको, ये फेज चेंज हो रहा है तो हमको कहीं पे वो लिक्विड है कहीं पे वो वेपर है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे जो मल्टी फेज के लिए ये वेपर डोम की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये सैचुरेटेड आपको लिक्विड लाइन है, ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, अगर कोई पॉइंट यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे मतलब ये 100% किसके में होगा, किस फेज में होगा, लिक्विड में, ठीक है, अगर फर्स्ट पॉइंट पे 100% किस फेज में होगा, ये वेपर के फॉर्म में होगा। तो 1 से 2 क्या है, कंप्रेशन, तो कंप्रेशन जो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी इंथैल्पी इंक्रीज कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, इसकी एनर्जी हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी इंथैल्पी इंक्रीज कर रही है, अब प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, सिंपल सा है, 1 से 2 जा रहा है। 2 से 3 में क्या हो रहा है आपको, कंडेंसर, कंडेंसर में क्या हो रहा है, हम इसकी लेटेंट हीट बाहर निकाल रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, तो लेटेंट हीट बाहर निकाल रहे हैं, एनर्जी डाउन हो रहा है, इंथैल्पी इसकी डाउन हो रही है, अब प्रेशर कॉन्स्टेंट मानते हैं क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हुआ नहीं है, कॉन्स्टेंट प्रेशर पर इसका हम कंडेंस कर रहे हैं। ठीक है, 3 से 4 क्या है, एक्सपेंशन, तो ये तो आइडियल है, एक्चुअल में ये थोड़ा सा ये इन्वर्टेड आता है यहाँ पे, ये क्या बताता है, फ्लैशिंग। ठीक है, 3 से 4 में क्या हो रहा है कि इसकी जो इंथैल्पी है वो कॉन्स्टेंट क्या है, एसेंथैल्पिक एक्सपेंशन है। ठीक है, तो ये 3 से 4 जब अगर ये देखोगे टीएस डायग्राम देखोगे आप इंट्रॉपी और टेम्परेचर डायग्राम में, ये कॉन्स्टेंट नहीं आता, ये क्या बताया था आपको, ये इन्वर्टर आता है ऐसे करके। ठीक है, तो ये 3 से 4 इंथैल्पी तो कॉन्स्टेंट है, क्यों इंथैल्पी कॉन्स्टेंट है, एक्सपेंशन हुआ तो जो भी एनर्जी है विद इन तो आपको सिस्टम रहा, और एक्सपेंशन प्रेशर तो डिक्रीज हुआ लेकिन इसकी इंथैल्पी कॉन्स्टेंट रही, लेकिन इंट्रॉपी इसकी बढ़ जाती है, एक्चुअल अगर साइकिल देखो टीएस डायग्राम तो इसकी इंट्रॉपी बढ़ जाती है क्योंकि फ्लैशिंग होती है, कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट कर जाता है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इसी को फ्लैशिंग फिनोमेना बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए टेम्परेचर जो हमको मेजर करना है, T1 टेम्परेचर सेंसर फिक्स एट कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन, T2 टेम्परेचर सेंसर फिक्स एट कंडेंसर लाइन, T3 टेम्परेचर सेंसर इनसाइड हॉट वाटर टैंक, T4 टेम्परेचर सेंसर फिक्स आफ्टर कैपिलरी ट्यूब, T5 है सेंसर इनसाइड कोल्ड वाटर टैंक, और T6 है आपको फिक्स एट कंप्रेसर सेंसर लाइन। ठीक, ये टेम्परेचर अलग अलग का मेजर करना है, और मास बता रहे इवेपोरेटर में जो जा रहा है कंडेंसर में, उस मास के लिए मैं कैसे बताया था आपको कि आपको रोटामीटर है उस रोटामीटर से निकालना है। ठीक, फिर क्यू निकल जाएगा एमसीपी डेल्टा टी से, और क्यू जो निकल जाएगा तो क्यू बाई डब्ल्यू से हमको क्या निकल जाएगा, सीओपी निकल जाएगा, जो हमको मेरा मेन मोटो है। ठीक है, प्रिकॉशन क्या है, यूज स्लाइज पावर सप्लाई, ड्रेन द वाटर फ्रॉम टैंक्स आफ्टर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, वेन एक्सपेरिमेंट इज नो लॉन्गर इन यूज कंडेंस द रेफ्रिजरेंट, यूज स्टॉप वॉच फॉर टाइम मेजरमेंट। ठीक है, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट है आपको, क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए। हाँ, अब ये देखिए करना क्या आपको, इसमें आइए। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप पे सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इसको ऑन करना है। ठीक है, ऑन करते ही एक वाट इसमें दो दोनों टैंक में दोनों अलग अलग टैंक से वाटर सप्लाई हमको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है, वाटर सप्लाई ऐसा होना चाहिए कि कंटिन्यूस हो, इसके अंदर जाए फिर बाहर निकले, तो दो टैंक दो बकेट या टैंक होना चाहिए, नल से सप्लाई होगा मान लो यहाँ से, और वो पानी फिर हीट लेके या हीट दे के आपको कहाँ जाएगा, एक बाल्टी में जाएगा। ठीक, तो ये बकेट या बाल्टी में कहीं पर स्टोर करेगा, ये कंटिन्यूस सप्लाई हमको मेंटेन करना है दोनों में। ठीक है, कंडेंसर कॉइल में और इवेपोरेटिंग कॉइल में। ठीक, जैसे स्टार्ट होगा तो आपको क्या करना है, दो प्रेशर गेज की रीडिंग ले लेनी है, एक क्या है आपको एक हाई प्रेशर होगा एक में लो प्रेशर होगा, तो हाई प्रेशर इसका मतलब वो कंप्रेसर के आउटलेट का प्रेशर है मतलब डिस्चार्ज प्रेशर है, और लो प्रेशर है इसका मतलब वो जिस प्रेशर पे सक कर रहे हैं। ठीक है, सक्शन प्रेशर है, ये दो प्रेशर गेज की रीडिंग ले लीजिएगा, इस जैसे ही वाटर फ्लो सब फ्लो यहाँ पे मेंटेन करेंगे दोनों में, कंप्रेसर कंडेंस सॉरी कंडेंसर और इवेपोरेटर में, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक कॉक टाइप का जो वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करेगा, तो ये जो कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ से इसकी रीडिंग ले लेंगे लीटर पर आवर में दोनों के लिए, किसके लिए, कंडेंसर के लिए इवेपोरेटर के लिए, और उसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास फ्लो रेट निकल जाएगा आपको। ठीक, तो ये आप ले लीजिएगा दोनों के लिए फ्लो रेट और दोनों के लिए प्रेशर गेज से प्रेशर की रीडिंग, तो ये जब निकल जाएगा उसके बाद क्या करना है आपको, अलग अलग यहाँ पे टेम्परेचर की रीडिंग लेनी है, T1 T2 T3 T4 T5 T6 की, और ये रीडिंग आपको रिपीट करनी है 10-10 मिनट में, ये कितना चेंज आ रहा है क्या नहीं चेंज आ रहा है उसको मेजर करना है। फिर हम इसको क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम करेंगे सीओपी के लिए, सीओपी के लिए हमको क्या पता है, वर्क कंप्रेसर, तो वर्क कंप्रेसर क्या हो जाएगा,
W इक्वल टू VI cos phi से, तो उससे निकाल सकते हैं ये एनर्जी मीटर लगा है तो उससे हम टाइम नोट कर सकते हैं, स्टार्ट किया जब बंद किया तो कितना एनर्जी कंज्यूम किया था, ये W हो जाएगा। Q क्या है, एम से पी डेल्टी, C बताया आपको 4.187 किलो जूल पर के जी, और डेल्टी क्या है कितना टेम्परेचर में वो चेंज आया। तो हम कंडेंसर की हीट पंप निकालें तो कंडेंसर की बात करेंगे तो कंडेंसर में वाटर की टेम्परेचर क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये डेल्टी पॉजिटिव होगा। और यही अगर हम बात कर रहे हैं इवेपरेटर की, अगर हम बात रेफ्रिजरेटर की, तो इवेपरेटर में क्या होगा, डेल्टी निगेटिव होगा, तो यहाँ से फिर हम COP निकाल लेंगे। ठीक है, थैंक यू। हेलो, टुडे एक्सपेरिमेंट इज टू फाइंड सीओपी ऑफ हीट पंप। ये सामने आपके से रखा हुआ है हीट पंप, इसके हमको क्या फाइंड करनी है सीओपी। सबसे पहले आपको हीट पंप होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, किस साइकिल पे काम करता है। तो रेफ्रिजरेशन साइकिल और हीट पंप की साइकिल सेम है, लेकिन मेरा क्या है आउटपुट अलग अलग है दोनों की, आउटपुट अलग अलग है और सीओपी हम यूज कर रहे हैं हीट पंप के लिए रेफ्रिजरेटर, दोनों की सीओपी अलग अलग होगी। ठीक है, तो दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम कर रहा है। क्या प्रिंसिपल काम कर रहा है कि जो हीट है वो लोअर टेम्परेचर लेके हायर टेम्परेचर को रिजेक्ट कर रहा है। आपको पता है कि नेचुरल हीट का फ्लो क्या होगा, हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जाता है, साफ सी बात है। अगर रूम मेरा गर्म है और बाहर का एटमोसफेयर ठंडा है तो हीट कहाँ से जाएगा, रूम से बाहर की तरफ एटमोसफेयर की तरफ जाएगा, नेचुरल फ्लो। ठीक है, लेकिन रेफ्रिजरेटर में भी आपको मालूम है कि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर लाइन कट जाए तब आप फ्रिज के अंदर हाथ डाल के देखिएगा तो वो क्या ठंडा है और बाहर क्या है गर्म है। तो अगर लाइन कट जाए तब तो नेचुरल फ्लो हो रहा है, तो धीरे धीरे अंदर अंदर फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। क्यों बढ़ना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि लाइट कट गई है, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कोई भी बाहर से एनर्जी सोर्स नहीं दे रहे, इसका मतलब वहाँ फ्लो क्या हो जाएगा, नेचुरल फ्लो हो जाएगा। तो हीट क्या होगा हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर में जाएगा। तो हायर बॉडी टेम्परेचर क्या है रूम, लोअर बॉडी टेम्परेचर क्या है फ्रिज के अंदर। आप ध्यान धीरे धीरे देखना फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर बढ़ते जाता है, कहाँ तक बढ़ेगा रूम टेम्परेचर बराबर या उससे कुछ कम रहेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट बन जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ तो फ्लो क्या हो रहा है नेचुरल। लेकिन जैसे ही हम लाइट दे रहे हैं, जैसे ही फ्रिज में हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन किया, वो हो क्या रहा है कंप्रेसर को हम वर्क दे रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि अंदर का जो बॉडी है उसको हाथ फ्रिज खोल के हम देखते हैं तो अंदर क्या है टेम्परेचर कम है और बाहर का टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है। तो हीट तब भी जो है फ्लो कहाँ से हो रहा है, लोअर बॉडी टेम्परेचर से हायर बॉडी टेम्परेचर में, ये मतलब रिवर्स है। रिवर्स है मतलब तो अपने आप तो रिवर्स होगा नहीं, ये क्लॉसियस लॉ का वायलेशन है, क्योंकि क्लॉसियस लॉ क्या बोलता है कि हीट कम से फ्लो कहाँ से होगा आपको हायर बॉडी से लोअर बॉडी टेम्परेचर में। अगर आपको फ्लो करवाना है लोअर बॉडी से हायर बॉडी में तो अपने आप नहीं करेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा। वो इनपुट क्या है, वर्क जो हम कंप्रेसर को दे रहे हैं। ठीक है, फ्रिज में हम क्या करते हैं लाइट चलाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी हम क्या प्रोवाइड करती है, कंप्रेसर वर्क प्रोवाइड कर रही है, और कंप्रेसर क्या कर रहा है लोअर बॉडी से हीट रिजेक्ट कर रहा है बाहर, लोअर बॉडी मतलब फ्रिज के अंदर का है उससे हीट लेके बाहर रिजेक्ट कर रहा है। जो आप देखते हो फ्रिज में पुराना जो फ्रिज आता था तो पीछे उसके खुली रहती थी जाली टाइप की होती पाइप में, तो वहाँ पर अगर हाथ डालोगे तो गर्म टाइप का था, उनका एक कंडेंसर ट्यूब है उससे हीट फिर बाहर निकल रहा है। ठीक है, आजकल वो पैक आता है, तो ये हीट पंप भी क्या है रेफ्रिजरेटर साइकिल में काम कर रहा है। तो वहाँ मेरा मेन सीओपी क्या है, आउटपुट और इनपुट रेफ्रिजरेटर की, तो उसमें मेरा आउटपुट क्या है, हमको जो कूलिंग बॉडी उसको ठंडा करना है, जो लोअर टेम्परेचर बॉडी उसको ठंडा करना है, तो हीट जो निकाल रहे हैं आपको लोअर बॉडी से वो मेरी आउटपुट हो जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ का सीओपी रेफ्रिजरेटर क्या हो जाएगी, आपको हीट जो हम बाहर निकाले आपको फ्रिज के अंदर का डिवाइड बाय वर्क इनपुट, वर्क इनपुट हम क्या दे रहे हैं जो कंप्रेसर को वर्क दे रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। यहाँ पे मेरा आउटपुट चेंज हो गया, मेरा हीट पंप नाम ही है कि हीट को हम पंप कर रहे हैं, कहाँ पे पंप कर रहे हैं, तो आपको हीट हम कहाँ पंप कर रहे हैं हार्ड बॉडी को। ठीक है, तो हीट जो सप्लाई कर रहे हैं लोअर बॉडी से हार्ड बॉडी में, अगर मेरा आउटपुट मेरा डिजायर्ड इफेक्ट क्या है कि हमको हीट देना है, किसको देना है हार्ड बॉडी को, तो मेरा आउटपुट किस पे डिपेंड करेगा, जो हीट जेट कर रहा है हायर बॉडी पे। तो हीट पंप का जो आउटपुट है वो नहीं है कि ठंडा बॉडी से हीट निकालना, इसका क्या है हायर बॉडी टेम्परेचर को हीट देना। ठीक, इसकी सेटअप आपको दिख रही है यहाँ पे, आपको दिया हुआ है वी और आई की, इसकी रीडिंग मिल जाएगी। वी आई क्या होगा, क्योंकि इससे हम पावर निकालेंगे वी आई कॉस अल्फा से, सॉरी कितना पावर उसको सप्लाई कर रहा है। ठीक है, इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे सेटअप देख लीजिए ध्यान से, इसको देखोगे तो ये ट्यूब टाइप का देखो बॉक्स टाइप का आइसक्रीम बॉक्स, देखिए अंदर दोनों में कॉइल है, दिख रहा होगा आपको अंदर दोनों में कॉपर कॉइल लगा हुआ है, आपको दोनों साइड में कॉपर कॉइल है। ठीक है, क्योंकि अब ये किस पे साइकिल पे काम कर रहा है, ये किस साइकिल पे काम कर रहा है, ये VCRS साइकिल पे काम कर रहा है, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। क्योंकि बेसिक साइकिल आपको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल ही है जो आजकल यूज में आती है। ठीक है, वेपर कंप्रेशन साइकिल भी थी लेकिन VCRS पे काम कर रहा है, तो VCRS जो है वो आपको वर्क करता है उसकी चार
बेसिक कंपोनेंट है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंसर वाल्व या कैपिलरी ट्यूब जो यूज होता है, और फोर्थ है आपको कंडेंसर, कंप्रेसर, कंडेंसर, इवेपोरेटर और आपको एक्सपेंशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब। सबसे स्टार्टिंग जो हो रहा है वो कहाँ से, मान लीजिए कंप्रेसर से, कंप्रेसर से फिर कहाँ गया वो कंडेंसर में गया, कंडेंसर से फिर कहाँ गया आपको वो एक्सपेंशन वाल्व गया आपको चला गया कैपिलरी ट्यूब में, और फिर वहाँ से गया आपको किसमें, इवेपोरेटर में। अब लोअर बॉडी टेम्परेचर क्या होगा यहाँ पे, लोअर बॉडी टेम्परेचर होगा यहाँ पे क्या, इवेपोरेटर। तो घर में भी जो कूलिंग चैम्बर है उसके ऊपर क्या ट्यूब लगा होता है, इवेपोरेटर ट्यूब लगा होता है, ठीक है, जिससे तुमको रेफ्रिजरेंट क्या होता है, इवेपोरेट होता है हीट लेके। तो हीट किसका ले रहा है, जिस कूलिंग चैम्बर को ठंडा करना है उस ठंडा उस चैम्बर से हीट ले रहा है और खुद इवेपोरेट हो रहा है, ठीक। तो लोअर बॉडी टेम्परेचर क्या होगा, इवेपोरेटर, और हायर बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया यहाँ पे, कंडेंसर, ठीक है। अब यहाँ पे सेटअप देखिए पीछे से, जो बेसिक पार्ट है ये दिख रहा है आपको, कंप्रेसर, कंप्रेसर को हार्ट भी बुला जाता है आपको किसी रेफ्रिजरेटर का, दिल है, क्योंकि ये अगर काम बंद हो गया तो सबसे मेन फंक्शन ही कंप्रेसर का है, जितना भी वर्क प्रोवाइड कर रहा है वो कंप्रेसर प्रोवाइड कर रहा है, और ये वर्क कैसे कर रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये कंप्रेसर भी अलग टाइप का होता है, हर्मेटिक, सेमी हर्मेटिक, जो उसके बाद में आप थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे, ठीक है। तो कंप्रेसर क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस कर रहा है। क्यों कंप्रेस कर रहा है, इसका हमको प्रेशर इंक्रीज करना है, प्रेशर क्यों इंक्रीज करना है, क्योंकि इसको हम फिर फ्लो करवाना है, ठीक है। और इसको जो कंप्रेसर प्रेशर इसका इंक्रीज हुआ, ठीक, अब इसको हाई प्रेशर पे हम कहाँ ले जाएंगे, कंडेंसर कॉइल में ले जाएंगे। कंडेंसर कॉइल में क्या कर रहे हैं, हम हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। कैसे हीट रिजेक्ट हो रहा है, कंडेंसर कॉइल में ये फ्लो मूव करेगा रेफ्रिजरेंट, और एयर क्या करेगा, उससे इनडायरेक्ट से हीट लेगा, ट्यूब है, ट्यूब के कॉन्टैक्ट में आएगा, ट्यूब के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, रेफ्रिजरेंट, तो उससे हीट लेगा, ठीक है, और उसको क्या करेगा, कूल डाउन करेगा, ठीक। अब प्रेशर तो ज़्यादा है ही उसके पास, अब कंडेंसर में क्या कर रहा है, इसका हम क्या कर रहे हैं, फेज चेंज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, उसको कन्वर्ट कर रहे हैं हम लिक्विड रेफ्रिजरेंट में। जो कंप्रेसर में आता है वो अधिकतर किस फेज में होता है, आपको वेपर के फेज में रहता है, तो उसको हम कंप्रेस किए और उसको फिर हम कंडेंसर में ले गए कंडेंस करने के लिए। अब कंडेंसर को कंडेंस किस टेम्परेचर पर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पर हो रहा है, क्योंकि बाहर से एयर आ रहा है उसको कंडेंस कर रहा है, तो उसके लिए आपको कंडेंसर प्रेशर भी क्या चाहिए, हाई चाहिए। इसलिए कंप्रेसर जो प्रेशर इंक्रीज करता है, एक रोल इसका भी है कि प्रेशर इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि कंडेंस किस पे होगा, आपको हाई प्रेशर पे होगा या रूम टेम्परेचर के प्रेशर पे होगा, इसलिए इसका प्रेशर इंक्रीज करता है। क्योंकि जब ये इवेपोरेटर से कंप्रेसर में आता है तो इसका प्रेशर काफ़ी लो रहता है, तो उस लो प्रेशर पे वो रूम टेम्परेचर पे कंडेंस नहीं होगा, इसलिए हमको क्या करना है, एक इसका प्रेशर इंक्रीज करना है। प्रेशर जो कंप्रेसर इंक्रीज करता है वो दो फंक्शन है, एक तो बताया कंडेंसर जो कंडेंस करना है उसका फेज चेंज करना है, तो कंडेंस जो होगा वो रूम टेम्परेचर पर कंडेंस होगा, हम कोई कूलिंग इफेक्ट तो लगा नहीं रखा इसमें कंडेंसर में। अधिकतर जब वो बहुत जगह क्या होगा, फैन लगा होता है कंडेंसर के पास में, कि एयर सप्लाई तेज करने के लिए। तो एयर कहाँ से आ रहा है, एयर आ रहा है एटमॉस्फेयर से, तो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर में अगर कंडेंस करेंगे तो कंडेंसर प्रेशर भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो कंडेंसर प्रेशर हाई करने के लिए हम यहाँ कंप्रेसर में इसका प्रेशर हाई कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट का। अब ये कंडेंसर ट्यूब में जाएगा, कंडेंसर ट्यूब में फ्लो करेगा और वहाँ से हीट रिजेक्ट करेगा, ठीक। अब ये कंडेंसर से हीट रिजेक्ट किया है, अब क्या है, हाई प्रेशर लिक्विड है, उसको हम फिर कहाँ ले जाएंगे, इधर देखिए बताया एक्सपेंशन वाल्व होता है या इस टाइप का, ये कॉपर ट्यूब दिख रहा है, फ्रिज में भी होता है, कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में फ्लो करेगा, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन इसका प्रेशर सडन डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा तो इसका टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, काफ़ी डाउन हो जा रहा है, क्योंकि हमको जो रेफ्रिजरेंट चाहिए मेरा, अगर हमको बात कर रहे हैं पर्पस, अगर ये रेफ्रिजरेटर की तरफ वर्क करता तो मेरा पर्पस क्या है, रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करना, मतलब क्या करना है कि जो लोअर टेम्परेचर बॉडी है वहाँ से हीट निकालना है। तो लोअर बॉडी टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, इवेपोरेटर कॉइल है, इवेपोरेटर कॉइल में ये रेफ्रिजरेंट जाएगा और वहाँ पे हीट लेके इवेपोरेट करेगा, इवेपोरेट करेगा और जिससे हीट लेगा उसको ठंडा करेगा, तो वो लोअर बॉडी को ठंडा कर रहा है तुम आपको। तो यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट हीट लेगा तो खुद भी तो कम टेम्परेचर होना चाहिए, तो कम टेम्परेचर पर कहाँ पहुँचता है, जब यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब एक्सपेंशन वाल्व से एक्सपेंड कर रहा है तो उसका प्रेशर सडन डिक्रीज करता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो ये लो प्रेशर और लो टेम्परेचर जो रेफ्रिजरेंट है कहाँ जाएगा, इवेपोरेटर में, वहाँ से हीट लेगा अपना और खुद इवेपोरेट हो जाएगा, खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में, और वेपर फिर कहाँ आएगा, इस कंप्रेसर में। ये तो इसकी बेसिक साइकिल है,
जिस पे आपको रेफ्रिजरेटर भी काम कर रहा है और हीट पंप भी काम कर रहा है। तो इस हीट पंप में मेरा काम इवेपोरेटर कॉइल में कितना हीट उसको ठंडा करना नहीं है, हीट इवेपोरेटर कॉइल में कितना हीट निकाल लिया उससे हमको मतलब नहीं है। हमको मेन पर्पस क्या है कि हीट पंप में कितना हीट दिया, हीट किसको दिया, कहाँ हीट हम निकाल रहे हैं, कंडेंसर में जो हीट हम बाहर रिजेक्ट कर रहे हैं हार्ड बॉडी को, रूम में क्या है हार्ड बॉडी है, कंडेंसर से हीट कहाँ निकालते हैं, तो रूम में ही निकाल देते हैं, तो हार्ड बॉडी को कितना हीट रिजेक्ट किया उस पर डिपेंड कर रहा है मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे आपको बताया था दो ट्यूब है, हम निकालेंगे कैसे, तो दोनों ट्यूब में हम पानी भरेंगे। इस ये ट्यूब है, इसमें एक कंडेंसर का है, देख लीजिए दो सेम दिख रहा है, और एक इवेपोरेटर का है, तो आपको पता कैसे लगेगा सेम है, देख लीजिए तो उसकी सर्किट देख लोगे, कंप्रेसर के बाद क्या आ जाएगा, ये कंडेंसर ही जाएगा, ठीक है, इवेपोरेटर से आके रेफ्रिजरेंट जाएगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर कहाँ जाएगा कंडेंसर में, तो ये इसकी आप सर्किट भी देख सकते हो। नहीं तो टेक्निकल आदमी हम क्या करेंगे, जैसे इसको चलाएंगे तो पानी हम भर देंगे इसमें दोनों टैंक में, ठीक है, तो एक पानी ठंडा होना शुरू होगा, एक पानी गर्म होना शुरू होगा, तो जो पानी ठंडा हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, रेफ्रिजरेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब वो जो कॉइल है जिसके थ्रू ठंडा हो रहा है वो है आपको इवेपोरेटिंग कॉइल, और जो पानी गर्म हो रहा है वो इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है आपको कंडेंसर है, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो मेरा जो सिंपल सब हमको निकालना क्या है, आउटपुट और इनपुट, आउटपुट हमको निकालना है कि कितना हीट रिजेक्ट किया, हीट रिजेक्ट कहाँ होता है कंडेंसर के ट्यूब में, तो पानी जो गर्म हो रहा है वही पानी जो हीट ले रहा है वही हीट मेरा क्या है आउटपुट में है, और इनपुट में क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आपको जो कंप्रेसर को दे रहा है, ठीक है। तो दोनों को निकालने का तरीका फिर बताया आपको, ये दिख रहा है ये पानी का सप्लाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों से पानी सप्लाई कर रहे हैं, एक कहाँ जा रहा है कंडेंसर में जा रहा है, इवेपोरेटर में जा रहा है आपको, ठीक है, और उसको दोनों को सप्लाई क्या होना चाहिए कॉन्स्टेंट होना चाहिए, ठीक। देखिए आगे इनपुट के लिए हमको क्या लगा रखा है, यहाँ पे देखिए अमीटर वोल्टमीटर है, ठीक है, ये प्रेशर गेज है आपको दोनों को दे रखा है, ये दोनों प्रेशर गेज रखा है आपको, एक सक्शन प्रेशर गेज होगा एक रिलीफ प्रेशर गेज होगा, ठीक है। तो क्योंकि दो ही प्रेशर गेज पे काम कर रहा है, जो इवेपोरेट करेगा वो लोअर प्रेशर गेज पे होगा और जो कंडेंस होगा वो हायर प्रेशर गेज पे होगा, ठीक। और वोल्टामीटर अमीटर से हम इसको रीड निकाल सकते हैं वी और आई से, क्योंकि इसका पावर क्या होगा वी आई कॉस अल्फा, अल्फा जहाँ पे क्या है पावर फैक्टर है आपको, ठीक है। और वोल्टामीटर अमीटर से हम इसका निकालेंगे कितना ये वोल्ट और कितना एम्पीयर पे ये काम कर रहा है। तो हीट जो इनपुट है जो एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इनपुट है वो क्या होगा वी आई कॉस अल्फा, वहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमको इसकी आउटपुट एनर्जी जो कि निकालना है किस फॉर्म में, हीट में, उसको निकालने का तरीका बताया, सेटअप पानी पानी सप्लाई कर रहे हैं तो आपको तो हीट जो कैरिड अवे बाय वाटर, हीट कहाँ से कैरिड अवे किया, ये हीट कैरिड अवे क्या कंडेंसर कॉइल से, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है हीट कैरिड अवे का एम एच डेल्टी, एम एच डेल्टी में मास, मास निकालने का तरीका है, देखो यहाँ पे रोटामीटर आपको दिख रहा है, तो दिख रहा है ये रोटामीटर है, अभी तो आपको साफ दिख रहा है, नीचे क्या है यहाँ पे आपको एक छल्ला टाइप का है, इस ये जो है इसका फ्लो चेंज कर रहा है, ठीक है। तो जैसे ही इसमें पानी का फ्लो कॉन्स्टेंट होगा ये जो झिल्ली टाइप की ये ऊपर नीचे होना शुरू होगा, यहाँ भी ऊपर नीचे शुरू हो रहा है, तो ये जब कॉन्स्टेंट हो जाएगा यहाँ पे तो वो आपकी इसकी क्या बताएगी, इसकी वैल्यू बताएगी लीटर पर आवर में, या इसकी वॉल्यूम फ्लो रेट कितना ये किस रेट में फ्लो कर रहा है। तो अगर वॉल्यूम फ्लो रेट से हमको इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे वाटर की, तो मास फ्लो रेट निकल जाएगा आपको इधर का भी और इधर का भी, एक कंडेंसर का है एक इवेपोरेटर का, तो एक में कॉइल इवेपोरेटर है एक में कंडेंसर कॉइल है, तो हम मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं किसका कंडेंसर का भी, और मास फ्लो रेट निकाल सकते हैं किसका इवेपोरेटर का भी। तो मास फ्लो रेट से कैसे क्या निकलेगा, क्यू इक्वल टू क्या होगा एम एच डेल्टी, एम यहाँ से निकाल लेंगे रोटामीटर से, एस हमको वाटर का मालूम है 4.187 किलो जूल पर केजी केल्विन है, ठीक है। डेल्टी, तो डेल्टी निकालने के लिए देखिए यहाँ पे सेटअप किया दिया हुआ है, यहाँ पे थर्मोकपल लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लगा हुआ है यहाँ भी लगा हुआ है, तो किस टेम्परेचर पे वाटर अंदर आ रहा है दोनों में ये है, और किस टेम्परेचर में ये बाहर निकल रहा है, ठीक है, वो है। तो एक का टेम्परेचर डाउन होगा एक का टेम्परेचर अप होगा, तो जो डाउन हो रहा है वो किसका होगा इवेपोरेटर कॉइल का, और अप हो रहा है वो किसका होगा कंडेंसर कॉइल का। तो हमको रीडिंग किसके लिए नहीं है, कंडेंसर कॉइल के लिए T1 T2 लेना है कि किस टेम्परेचर पे गया था किस टेम्परेचर पे बढ़ के निकला है, तो डेल्टी वहाँ से निकाल लेंगे। तो हमको जो आउटपुट निकलेगा एम एच डेल्टी कि हीट कितना रिमूव हुआ कंडेंसर कॉइल में, यही मेरा आउटपुट है। और इनपुट बताया वी आई कॉस अल्फा से, ठीक है, या कॉस फाई से बोल लो, वी आई कॉस फाई जब फाई का है पावर फैक्टर है इलेक्ट्रिकल का चीज आ गया, अब वी है वोल्टामीटर का रीडिंग और आई अमीटर का रीडिंग, इससे हम क्या निकाल लेंगे इसकी इनपुट और आउटपुट दोनों निकाल लेंगे। इधर पीछे कुछ है आगे देखिए इक्विपमेंट में, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ब्लैक और ग्रीन कलर का ट्यूब भी दिख रहा है, कंप्रेसर तो बता दिया मैंने आपको, कंप्रेसर ट्यूब बता दिया है, दोनों इवेपोरेटर कंडेंसर कॉइल का दिखा दिया था, ये दो एडिशनल चीज क्या है दिख रहा है आपको, तो ये जो ग्रीन कलर का है इसको हम बोलते हैं ड्राई,
ठीक है, ड्रायर क्या कर रहा है कि अगर कोई भी मॉइस्चर अगर रेफ्रिजरेंट के साथ चला गया वो लोअर टेम्परेचर में होगा तो वो क्या होगा, चोक कर देगा पूरा इस मोशन को, इसलिए ड्रायर में क्या है सिलिका जेल उसको एब्जॉर्ब करता है। और ये जो है इसका नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या कर रहा है कि जो कंप्रेसर में जो जा रहा है इवेपोरेटर से वो किस फेज में जाना चाहिए, वो जाना चाहिए वेपर के फेज में, लेकिन मान ली कुछ लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट नहीं कर गया कर पाया इवेपोरेटर में, तो लिक्विड रेफ्रिजरेंट भी चल जाएगा वहाँ कंप्रेसर में, तो उसको अलग करने के लिए सेपरेटर की तरह ये क्या यूज करते हैं हम, ये एक्यूमुलेटर यूज करते हैं। तो ये एक्यूमुलेटर है और ये ड्रायर है। अब फिर से मैं बता दूँ कि हमको निकालना क्या है, इसकी सीओपी निकालनी है, सीओपी किस पर डिपेंड कर रही है, आउटपुट और इनपुट पे। तो आउटपुट क्या किस फॉर्म में, जो कंडेंसर हीट रिजेक्ट कर रहा है वाटर को वो निकालना है एमएस डेल्टी से, और इनपुट में किस फॉर्म में इलेक्ट्रिक एनर्जी देना है जो कंप्रेसर को, वी आई कॉस फाई से, वी जहाँ वोल्टा मीटर, आई आमीटर और कॉस फाई से निकालना है। ठीक है।